हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थेरेपी ऑफ कॉन्स्टिपेशन के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहले आता है बल्क फॉर्मिंग। बल्क फॉर्मिंग में डाइट्री फाइबर्स, जिसमें हमारा साइलियम, इसेबुला, मिथाइल सेलुडोज, ब्रायन आता है। सेकेंड होगा स्टूल सॉफ्टनर, जिसमें लिक्विड पैराफिन, डॉक्यूसेट्स आएगा। फिर होता है स्टिमुलेटिव पर्गेटिव, जिसमें चार तरह के होते हैं। सबसे पहले डाइफेनाइल मीथेन्स, जिसमें हमारा बीसासोडिल आता है, सोडियम पिकोसल्फेट एंड फिनॉल फ्थैलीन। फिर आता है हमारा एंथ्रोक्यूनोन्स, जिसमें हमारा कास्कारा सग्राडा एंड सेन्ना आएगा। फिर आता है 5H2O4 एगोनिस्ट, जिसमें रुकैलोप्राइड। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें हमारा ल्यूबीप्रोस्टोन। फिर आता है हमारा ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स। ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स में सबसे पहले हमारा आता है मैग्नीशियम सॉल्ट, फिर सोडियम सॉल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट में हमारा सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोक्लोराइड आएगा, हाइड्रोक्स ऑक्साइड आएगा। सोडियम सॉल्ट में हमारा सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टुलोज आता है। अब बात करते हैं यूजेस, इन ड्रग्स के यूज़ क्या होंगे। तो सबसे पहले दिस ड्रग्स आर यूज इन हेपेटिक कोमा, जिनको हम लोग इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ये एब्डोमिनल एक्सरे एज वेल एज कोलोनोस्कोपी में भी यूज़ किए जाएंगे। दीज ड्रग्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हेलीमेंथिस आफ्टर सर्टेन एंटी हेलीमेंथिक ड्रग्स आर गिवेन। दीज ड्रग्स आर ऑल्सो यूज इन फूड एज वेल एज ड्रग पॉइजनिंग। द ड्रग्स हैज बीन ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बाउल बिफोर सर्जरी। इट इज ऑल्सो यूज इन हेपेटिक कोमा, डेट इज इंसेफेलोपैथी, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन कॉन्स्टिपेशन। बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, सो द यूजेज ऑफ ऑल ड्रग्स में कॉन्स्टिपेशन आना ही आना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अनडाइग्नोज पेन में हम लोग को नहीं देना है इसको, ये कोलिक या वॉमिटिंग में नहीं देना है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू ऑफ हाइपोथायरिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया एज वेल एज मेलिग्नेंसी में नहीं देना है। ड्रग इंड्यूस ओपियोइड्स, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसोनिज्म, सेडेटिव्स में नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब बात करते हैं पर्गेटिव एब्यूज की। तो प्रोटीन लॉसिंग एंटेरोपैथी, स्पास्टिक कोलाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड स्टीरोडोरिया, ये हमारे पर्गेटिव एब्यूज होते हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स, जो हमारे पर्गेटिव्स के साइड इफेक्ट्स हैं ये। अब बात करते हैं स्टिमुलेंट या इरिटेटिव पर्गेटिव्स की। सबसे पहले बीसासोडिल। बीसासोडिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीसासोडिल का ये इरिटेट कराता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को और स्टिमुलेट करेगा मोटर एक्टिविटी। इट एक्ट ऑन मेंट्रिक प्लेक्सस एंड मोटिलिटी, ये इनिबिट करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एट बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ विलोसस सेल। सिक्रेशन इज इंक्रीज बाय एक्टिवेशन ऑफ कैंप इन क्रिप्ट सेल्स एंड इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक या सेलिन पर्गेटिव की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द ड्रग्स गिवन ओरली ऑन एम्प्टी स्टमक, विद ये जो ड्रग्स होती हैं ओरली दी जाती हैं, वो भी खाली पेट में, विद इन प्लेंटी ऑफ वाटर। ये एब्जॉर्ब नहीं होंगी गट में, एक्ट करेंगी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में और स्टिमुलेट करती हैं पेरिस्टेलिसिस। यूजेस, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बाउल बिफोर सर्जरी, इट इज यूज इन कोलोनोस्कोपी, इट इज यूज इन फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग, इट इज यूज इन आफ्टर सर्टेन एंटी हेलीमेंथिक, या मतलब टेप फॉर्म में जो दी जाती है उसके बाद यूज करी जाती है ये। दैट्स ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक एज वेल एज सेलिन पर्गेटिव। और यहीं पे हमारा खत्म होता है ड्रग्स यूज इन कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू।